नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हूँ तमने धोरण 5 हिंदी विषय में चिड़ियाघर की शहर पाठ विषय शीखवाड़ीश। पाठनु नाम छे चिड़ियाघर की शहर। चिड़ियाघर एटले के वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। चिड़ियाघर ने अपने गुजराती में कहो तो आप कही सकसु कि पक्षीघर, प्राणी संग्रहालय, ज्यां आपने घणा बधा पक्षीओ जोवा मळे छे। तो तमे जोशो पेज नंबर 28 पर तमने चिड़ियाघर की शहर पाठ आप्यो छे। तो हवे आपणे ए पाठ विषे समझीशुं। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। आम आपने प्राणी और पक्षी बनने विषे जानवा मळशे, जे तमारे मारी साथे समझवानुं छे। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। एटले शू कीधुं, गुजराती नुं शू थशे के काले गीता एना दादाजीनी साथे चिड़ियाघर जोवा माटे गई हती, एटले के प्राणी संग्रहालय जोवा माटे गई हती। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। अब आप देख सकते हैं कि आपको शेर लिखा हुआ नहीं दिया, आपको शेर का चित्र दिया गया है। तो आपको समझना है कि वह किसका चित्र है। तो हम देख सकते हैं कि वह शेर का चित्र है। उसने देखा कि पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। किसके पिंजरे के पास? तो कि शेर के पिंजरे के पास, क्योंकि शेर किसी ने देखा नहीं होता। वह जंगल में रहता है, इसलिए सबको उसे देखने की इच्छा होती, इसलिए उसके पिंजरे के पास बहुत सारी भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गई। शेर ने गर्जना की, गर्जा यानी गर्जना की, तो सब डरकर पीछे हट गए, एटले बधा पाछळ भागी गया। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। अब बंदर यानी के वांदरो, के सामे एक वांदरो हतो, एने बधा मूंगफली एटले के मगफली और केला खवड़ावी रहा हता। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। भाई दादाजीए कीधु कि जो सामे लख्युं छे कि चिड़ियाघरना जानवरों ने खावानुं देवानुं मनाई छे, एम आपने खबर न होय कि एमने शुं खावानुं आपवुं, एटला माटे एने खावानुं आपणे आपी शकीए नहीं। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मूका बंदर। अब गीता ने कहा, दादाजी जो सामे काळा मोटावाळो एक वांदरो छे। अब काळा मोटावाळा वांदरने शुं कहेवाय? तो कि लंगूर कहेवाय। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है, लंगूर का मुँह काला होता है। और दादाजी शूँ कीधु के दादाजी हसी पड़िया ने बोलिया कि बेटा ये तो लंगूर है, एनु मोढ़ू केवु होय छे? काळू। वांदरानी घणी बधी प्रजाति होय, जेम के लंगूर, चिंपांजी वगैरे। आ काळा मोटावाळो जे वांदरो होय एने लंगूर कहेवाय छे। एक जगह गेंडा दिखाए दिया, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। हवे एक गेंडो जोवा मळ्यो, एना नाक ऊपर एक मोटू शिंगडू हतू। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। हवे जे लांबी डोकवाळो एक प्राणी छे एनुं नाम शुं छे? जिराफ। एनी डोक केवी हती? लांबी। तो ई छे ई आजूबाजू फरी रह्युं हतुं अने एनी डोक केवी हती? लांबी। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ दो पेड़ों पर खड़ा हुआ एक रीछ था। हवे कोण आयु रीछ? तो रीछ ने शूँ कहूँ अपने हिंदी में? के भालू, के बे ऊपर ऊभू रहेलू एक भालू एट के रीछ हतो। एक तालाब में रंगबेरंगी मछली और बतक तैर रही थी। हवे एक तळाव हतो, एनी अंदर रंगबेरंगी मछली और बतक छे तरी रही हती। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। हवे शू? गीताए एना दादाजी ने इशारो करीने बीजी तरफ कह्युं, दादाजी दादाजी जो सामे एक पत्थर छे ई तरी रह्यो छे। दादाजी उसे समझाते हुए बोली, बिटिया वह कछुआ है। भाई दादाजीए एने समझाव्युं कि पत्थर नथी पण ई काचबो छे, एम काचबाने हिंदीमां आपणे शुं कहीशुं? कछुआ। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। पछी दादाजीए शूँ कीधुं के ई कछुआने ज्यारे डर लागे छे एटले एने बीक लागे छे त्यारे छे एनी गर्दन एटले के डोक अने एना हाथ पैर एटले के हाथ पगरिया ई खोल एटले के एनुं ऊपरनुं जे पत्थर जेवुं कवच छे एनी अंदर छુપાવી લે છે। ખોલ ઇસકા રક્ષણ હે, એટલે ખોલ એટલે કે ઈ કવચ જે છે એનું રક્ષણ છે, એની રક્ષા કરે છે, એમ કોઈ પ્રાણી એની મારી શકતું નથી। ગીતા દોડકર આગે ગઈ, ગીતા છે ઈ દોડીને પછી આગળ ગઈ। એક બડે તાલાબ મેં मगर तैर रहा था। आप सभी लोगों ने मगर तो देखा ही होगा। वह मगर कहाँ रहता है? पानी में और जमीन पर दोनों, इसलिए उसे उभयजीवी प्राणी कहते हैं। कौन सा? उभयजीवी।
तो तालाब में एक मगर तैर रहा था, यह गीता ने देखा। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। गीता है डरी ने एना दादा नो हाथ पकड़ी लीधो। जेव ज मगर एक मोढ़ू खोलू तो गीता छे ई डरी गई अने एने दादा नो हाथ पकड़ी लीधो डर ना मार्या। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, वह आगळ एक मोटू जगरू पिंजरू हतू। उसमें बहुत सी गोरैया एटले के चकली चिड़िया बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। गीता ए गोरैया ने जोईने खुश खुश थई गई एटले ए ताळियो पाड़ी। पछी एणे एम कीधुं, जो एक लीला कलरनो पोपट एटले के तोता छे। ए केवा कलरनो होय छे? तो के लीला रंगनो, अने हिंदीमां आपणे केवुं होय तो के हरे रंग का। दादाजी ने कहा, हाँ और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी काका कौवा है, इसे कातुआ कहते हैं। कातुआ और काका तुआ भी कह सकते हैं। वह विदेश में देखने को मिलता है, इसलिए वह विदेशी पक्षी है। गीता झक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। गीता चहक कर खुश होकर बोल उठी कि दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास एटले के आपणा घरनी बाजू में पण जोवा मळे छे, जेवी रीतना के गोरैया एटले के चकली। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। पछी एम कहे छे के गया वर्षे आपणे पिकनिक में आव्या हता त्यारे आपणे बगीचा में एक नाचतो एवो मोर पण जोयो हतो। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग एटले सामरूप छे। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। वर्ष सौथी मोटू पक्षी कयू छे? तो के सामरूप। ने हिंदी में आपणे शू कहीशू के शुतुरमुर्ग। उसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है। आप सभी लोगों ने भी चित्र में देखा होगा सामरूप को हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग है वह पेड़ की छाया एटले पेड़ना झाड़नी छाया में उभू हतू। अब पेज नंबर 29 पर, चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते। हवे एम कहे कि चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट होय छे, एना ऊपर आपणे बेसीने सवारी पण करी शकीए छीए। सामने आइसक्रीम का एक थैला था, थैला एटले के लारी, के सामने जे एक आइसक्रीम नी लारी हती। आइसक्रीम जोईने बधाईना मोढ़ा में पाणी आवी जाय छे, तमारा मोढ़ा में पण आवी जाय छे ने, आपणने पण आइसक्रीम खावानुं मन थई जाय। आपणे आइसक्रीम नी लारी जोईए तो एवी ज रीते आ गीता ने पण आइसक्रीम खावानुं मन थई गयुं। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। दादाजी तो लाकड़ी लेने चालता होय एटले लाकड़ी लेने चालीने गया अने गीतानी माटे आइसक्रीम खरीदी लाव्या। अब तक दोनों थक चुके थे, हवे के बे थाकी गया था, दादाजी अने गीता बे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए और ट्रेन पकड़ी और अपने घर आ गए। अब दादाजी और गीता दोनों अपने घर वापस आ गए थे। किस में? तो के बस में। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। चिड़ियाघर एटले वह जगह जहाँ पशु पक्षी को देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा तो घिरा हुआ स्थान। खोल तो के कछुए के ऊपर का सख्त भाग। लंगूर तो के काले मुंह वाला बंदर, उसकी पूंछ भी लंबी होती है। हरियल यानी हरे रंग वाला, हरे रंग वाला क्या? तो के तोता। अब हम देखेंगे अभ्यास। ऊंची आवाज में पढ़िए, जो नीचे लिखा गया वह हमें पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे रक्षक, रक्षा, पक्षी, पत्र, नेत्र, पुत्र, आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। आप सभी को भी मेरे साथ पढ़ना है। श्रम, परिश्रम, विश्राम। प्रश्न नंबर 2, पढ़िए और लिखिए। आपको पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए लाइन में लिखना है। मक्खन ये मक्खी, मच्छर मगरमच्छ, चिट्ठी कट्ठर। पेज नंबर 30 पर, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको एक अंश दिया गया है, उसे पढ़कर इसके नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर हमें देने हैं। कुछ अजब कुछ गजब। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं। शूँ के नाना छोकराओ जो होमनी जे आ पलक हो 1 के 2 बार झपकावे, जयरे मोटा लोग वयस्क यमनी जो पलक हो 10 बार झपकावे 1 मिनिट में। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग है जिसका
आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता है। हमें शू कहे कि आप जे खाई खाईए छे पचवा में 12 कलाक जो समय लागे छे। अने मानव शरीर में नाक और कान एवं बे अंगों जे आप जीवी छे त्या सुधी वधता जाए छे। हवे एनी नीचे आपने प्रश्न आया पछी एना जवाब आपणे आपवाना छे। प्रश्न नंबर 1, छोटे बच्चे को वयस्कों की पलके झपकाने में क्या अंतर लगता है? तो कि छोटे बच्चे 1 मिनट में 1 से 2 बार अपनी पलके झपकाते हैं, जबकि वयस्क लोग अपनी पलके 1 मिनट में 10 बार झपकाते हैं। प्रश्न नंबर 2, हमारे शरीर का कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो कि हमारे शरीर में हम जो खाना खाते हैं उसे पचने के लिए 12 घंटे का समय लगता है। प्रश्न नंबर 3, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग है जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो कि हमारे शरीर के 2 ऐसे अंग है, कान और नाक, जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर चार में हमें कहा गया कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि कछुए की चाल, जब कोई तेज चलता है तो उसे हम क्या कहें? तो कि चीते की चाल या खरगोश की चाल कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो चिड़ियाघर में जाकर हमें शोरगुल नहीं मचाना चाहिए और कुछ भी खाने के लिए नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता होता कि वह जानवर को क्या पसंद है, उसे क्या खाना चाहिए। इसलिए हमें शोरगुल नहीं करना चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए, यह ध्यान हमें रखना चाहिए। अब प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब हम देखेंगे स्वाध्याय। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो चिड़ियाघर की सैर के लिए दादाजी और गीता आए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे? तो कि बंदर को लोग मूँगफली और केला खिला रहे थे। प्रश्न नंबर 3, लंगूर का मुँह कैसा होता है? तो लंगूर का मुँह काला होता है। तालाब में क्या था? तो कि तालाब में बत्तख और मछली थी। प्रश्न नंबर 5, गीता ने किसे पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है? तो कि कछुए का रक्षक उसका खोल यानी कि कवच है। विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो कि विदेशी पक्षी का नाम कातुआ यानी कि काकातुआ था। प्रश्न नंबर 8, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो हमने पाठ में देखा था सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या था? तो कि शुतुरमुर्ग यानी कि शामरुग। हम शुतुरमुर्ग लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। अब हमें उदाहरण दिया गया कि पेड़ पर बंदक लटक रहा है, तो उसके बाजू में क्या? पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। वह बंदर का हमें लिंग परिवर्तन करता है। बंदर का लिंग परिवर्तन क्या हुआ? तो कि बंदरिया। ऐसे ही हमें नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। तालाब में हाथी नहा रहा था, तो हाथी का लिंग परिवर्तन क्या होगा? तो कि हथिनी। तो हम लिखेंगे कि तालाब में हथिनी नहा रही थी। अब दूसरा, रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा था, तो हम लिखेंगे कि रेगिस्तान में ऊँटनी। ऊँट का लिंग परिवर्तन क्या होगा? ऊँटनी। तो कि ऊँटनी दौड़ रही थी। प्रश्न नंबर 3, जंगल में मोरनी नाच रही है, तो कि जंगल में मोर नाच रहा है। मोरनी का लिंग परिवर्तन क्या होगा? तो कि मोर। प्रश्न नंबर 4, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो शेर का लिंग परिवर्तन होगा शेरनी। तो कि पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। और प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमें पेज नंबर 31 पर एक चित्र दिया गया है प्रश्न नंबर 3 में, उसका हमें वर्णन करना है। तो आप कह सकते हैं कि यह चित्र एक जंगल का है। तो कि जंगल में कई सारे प्राणी हमें दिख रहे हैं। तो कि हम देख सकते हैं चित्र में कई सारे पेड़ दिए गए हैं। एक पेड़ पर बंदर खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं एक झरना बहता जा रहा है, उसके बाजू में एक खरगोश है, एक हाथी का चित्र है और ढेर सारे पत्थरों के अंदर एक शेर छुपा हुआ है। पेड़ के बाजू में ही एक लंबी गर्दन वाला जिराफ खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ऐसे हम इस चित्र के बारे में 4-5 वाक्य लिख सकते हैं। आप सभी को भी अपनी नोटबुक में यह वाक्य लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आपको 4 चित्र दिया गया है। कौन कौन सा है? तो कि शेर, फिर बतख, फिर गेंडा और तोता। तो आपको यह खाली जगह इस चित्र के आधार पर भरनी है। प्रश्न नंबर 1, खाली जगह जोर से गरजा। तो कि कौन गरजेगा? तो कि शेर। दूसरी खाली जगह कि चिड़ियाघर में एक सिंह वाला खाली गया था, तो एक सिंह वाला क्या है या किसका चित्र है? तो कि गेंडा। तो कि चिड़ियाघर में एक सिंह वाला गेंडा था। प्रश्न नंबर 3, तालाब में खाली जगह तैर रही थी। तो कि तालाब में बतख तैर रही थी।
हरियल खाली जगह टें टें करता है, हरियल एट हरे रंग वाला कौन है, तो आप देख सकते हैं कि तोता। अब हम पीछे देखेंगे चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। प्रश्न नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि आपको कई सारे चित्र दिए गए हैं और उसके बाजू में एक बॉक्स दिया गया है, उसमें कई सारे नाम दिए गए हैं, तो वह चित्र के सामने हमें उसका हिंदी नाम लिखना है। तो आप देख सकते हैं पहला चित्र कौन सा है, तो कि शेर। तो इस बॉक्स में से आपको वह चित्र नाम ढूंढना है। तो पहला क्या है, तो कि शेर। दूसरा चित्र किसका है, तो आप देख सकते हैं मूंगफली। आप सभी को भी अपनी पाठ्यपुस्तक में लिखना है चित्र के सामने उसका हिंदी नाम, मूंगफली। तीसरा चित्र किसका है, तो के केला। उसके नीचे तो के गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा। उसके बाद भालू, भालू यानी कि रीछ। और अंतिम में चित्र है मछली, मछली एट के माछली। अब उसके बाजू में पहला चित्र कौन सा है, तो के मगर। मगर पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। उसके नीचे का चित्र कौन सा है, तो गोरैया, गोरैया एट के चकली। उसके नीचे का चित्र है तोता, तोता एट के पोपट। बाजू के बॉक्स में से आपको यह शब्द ढूंढकर निकालना है और लिखना है। उसके नीचे का चित्र है मोर, फिर शुतुरमुर्ग, सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है, तो के शुतुरमुर्ग। गुजराती में आपने कहूं है तो शामरुग। और अंतिम चित्र है हाथी। फिर से हम देखेंगे पहला चित्र कौन सा है, तो के शेर, मूंगफली, उसके बाद केला, गेंडा, भालू, मछली, मगर, गोरैया, तोता, मोर, शुतुरमुर्ग और हाथी। आप सभी को भी अपने पाठ्य पुस्तक में यह लिखना है। अब हम देखेंगे पेज नंबर 34 पर आपको चित्र के सामने उसका हिंदी और गुजराती दिया गया है। तो शेर का गुजराती क्या होगा, सिंह। फिर मछली का माछली, काकातुआ यानी कि काका कौवा, बंदर एटले के वांदरो, बतख एटले के बतख, मोर एटले मोर, गेंडा एटले गेंडो, कछुआ एटले काचबो, शुतुरमुर्ग एटले शामरुग, जिराफ एटले जिराफ, मगर एटले मगर, हाथी एटले हाथी, भालू एटले रीछ, तोता एटले पोपट अने ऊँट एटले ऊँट। तो आप सभी को यह पाठ समझने में बहुत मज़ा आया होगा। आप सभी भी कभी चिड़ियाघर की सैर के लिए जाए तो आप सभी को भी यह पाठ की याद आएगी। तो हम देख सकते हैं आपने कौन कौन से पक्षी और प्राणी देखे, तो के शेर, बंदर, गेंडा, जिराफ, भालू, कछुआ, मछली, तोता, गोरैया, काका कौवा, शामरुग आदि पक्षी के बारे में आप सभी ने जाना। तो आप सभी को अब अपने होमवर्क में स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 के जो 8 प्रश्न दिए गए हैं वह उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है।